प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये पांचवीं बैठक होगी। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति पर कर सकते हैं चर्चा। भारतीय रेलवे ने मंगलवार से चुनिंदा यात्री ट्रेनों को शुरू करने का किया ऐलान। IRCTC वेबसाइट के जरिए आज शाम 4 बजे से होगी बुकिंग शुरू। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे प्रतिदिन 300 श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाया जा रहा वंदे भारत मिशन जारी। ब्रिटेन, कुवैत, फिलीपींस और रियाद में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 41,472 पर पहुंची। 19,357 मरीज ठीक हुए जबकि 2,109 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, देश भर के संक्रमण में से ठीक होने की दर 30% से ज्यादा जबकि मृत्यु दर 3.3% पर बनी हुई है, जो अच्छे संकेत हैं। राष्ट्रीय विषाणु रोग संस्थान ने COVID-19 की जाँच के लिए बनाया पहला देशी किट। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमण के मामले 40 लाख के पार पहुंचे जबकि 2,80,000 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही, 79,000 लोगों की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन हटाने से किया इनकार, कुछ मामलों में राहत देने का ऐलान।